And days after cops and BJP workers clashed in Patna, today a fact-finding team has reached Bihar to probe the alleged death of a BJP worker during the stir. BJP MP Ravi Shankar Prasad, who is leading the fact-finding team, lashed out at Chief Minister Nitish Kumar, calling him a dictator. Now remember, a few days ago, BJP workers had a face-off with cops while protesting against the government over the teachers' recruitment policy in Bihar. ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है और मैं क्या बोलूं, नीतीश कुमार सरकार तानाशाह हो गई। भाजपा मुख्य अपोजिशन, इनको पूरा अधिकार है ना तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने का, दोबारा चार्जशीट हुए हैं इसी पर तो नीतीश कुमार ने छोड़ा 17 उनका साथ, शिक्षकों के डोमिसाइल पॉलिसी का, उस पर आप लाठी चलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या मतलब है इसका? और बेशर्मी की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सोचिए कि किस कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं नीतीश बाबू। ये पूरी तरह नीतीश कुमार सीएम हाउस में बैठ के सारे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। जब बंगाल और केरला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, तो बिहार सरकार की औकात क्या है? इसलिए बिहार सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अविलंब 24 घंटा के अंदर आप जुडिशियल इंक्वायरी घोषणा करें और अनिर्वत भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनहित के मुद्दे पर आंदोलन तब तक करती रहेगी जब तक यह हत्यारी सरकार को उखाड़कर नहीं फेंक।